20 से 25 हजार के बीच में अंदाजा है हमारा, मतलब कैश कि था चंदा। दादा, हाँ बिल्कुल, एक जो क्योंकि वो ये कुछ टूट गया वो छह नहीं बात महीने से सर। हमने दान पत्र नहीं खोला है। मेन तो दान पत्र की और ये इधर इंग्लिश का नुकसान हुआ है। हरियाणवी लाइफ देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तान प्रिय की राम राम। इस समय आसी में जो है बालाजी का मंदिर है हनुमान जी का, वहां पे मौजूद था। हरियाणा एक घटना घटी है, चोरी हुई है। वो एक नुग आखर बाय बतल की यादाश्त तेज गिरन खातर बादाम भिगो के दे रहे थे, वो ही भूल गया मैं बादाम कड़े है। तो उरे चोरी थी बचाने खातर कैमरे लगाए थे और कैमरे भूल गए, मतलब कैमरे चोरी हो गए। तो आप दिखावांगे और दान पत्र में तो भी जो है 25 से 30 हजार का दावा किया जान लग रहा चोरी होने का, वो भी सारे जो मंदिर की कमेटी के प्रधान और भी कुछ सदस्य है सब तो बात करवाएंगे। आपने लाइव दिखावा है कैमरा अड़ा भाई दिखूंगा, अगले अगले आ जाए भाई, आ जा भाई, एक तो ये दिखा दे। सबसे पहला तो बाहर तो जो है कैमरे टूट रहे भाई, चोरी हो रही है यो भी और इस साइड पे भी, क्लियर दिखा दो। और भी जो है राम राम दादा, राम राम भैया। भाई दादा मतलब की किस टाइम की घटना है और के कुछ चोरी हो रही है? घटना है क्या, पंडित जी अनाउंसमेंट किया था मंदिर के अंदर, ये घटना है 6 सवा 6 बजे की। अच्छा, अनाउंसमेंट करते ही और मैं मंदिर पर आ गई हूँ। मंदिर का अंदर ये मतलब कार कुछ खुले थे और हमने मंदिर में देखा तो ये सौदा हमने पाया, लेडी ये सारा सौदा पड़ा है। अरे उन्होंने ये लोग तोड़े डा है भाई, इसका भाई दान कमेटी पात्र कमेटी का। के जो प्रधान है मंदिर की कमेटी के शैलेंद्र सोनी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। राम राम के राम राम जी। 20 से 25 हजार के बीच में अंदाजा है हमारा, मतलब कैश कि था चंदा। दादा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक जो वो ये कुछ टूट गया वो छह नहीं बात महीने से सर। हमने दान पात्र नहीं खोला है। मेन तो दान पात्र की और ये इधर इंग्लिश का नुकसान हुआ है, ये एक बार आज समझे साथ सर। में आ जाओ। यो जो भाई उसका कैमरा का हुआ है, जित रिकॉर्ड हुआ है वो अंदर का हार्ड डिस्क है, वो हार्ड डिस्क निकाल के लेके गए हैं ताकि प्रूफ ना रहे। यो ऊपर लग रहा था। और एक जो नुकाह रे भाई समय किस्मा की नहीं, कुछ साथी पूरी प्री प्लानिंग करके जो है वह चोरी करी गई है, उसने इस बात का पता था कि भाई पता उसकी रिकॉर्डिंग हो हर एक चुकी की तो है। पहले हुई है कि भाई हाँ इधर कैमरे का सिस्टम यहाँ लग रहा है। क्या लगा कुछ जान पहचान वाला कोई उसके, फिलहाल तो कोई दिमाग में नहीं है कि भाई किसका काम है। या फिर मतलब कि जिसने इसका पहला आया उड़ा उसने पूरी प्लानिंग की सब चीज बता दी। बिल्कुल, ये तो है कि आइडिया कि हाँ भाई पहले पता था कि सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। एक सबसे बरदान पहले वारदात इधर ही करी है उन्होंने और ये निकाल लिया गया है उधर से, वो चोरी हुई है। वो दान पात्र हो दिखा दो एक बार जी, टूट रहा है फिर आप वो बात करांगे के कुछ आगे एक्शन लिया गया है के कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यो आ जा ये भाई, से इन्होंने ये औजार वगैरह लिए हैं, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने तोड़ लॉकर मेन तोड़ के। यो देख लो बड़ी कम जगह है, पीछे तक जो है वह कराया गया है, तोड़ा गया है और उड़ते पैसा निकाल लिया गया है। हथियार जो है ये नीचे साथ से में लाया है या फिर नहीं मंदिर के नहीं लिए गए नीचे हैं? से लिए मंदिर गए हैं, में मंदिर का ही है ये सब, मंदिर का ही है, नीचे से गए आएंगे। और ये कैमरा है, जीटी है, ये सारे तोड़ के इधर। जो बाहर तक कैमरे टूटे वो साथ को लगे यही रख गए, यही है, यही बिल्कुल। मतलब मैन उनका जो चोरी करने का हाँ, तो उद्देश्य था यही वो था दान पैसा पात्र से था, पैसा। यो तो अपने आप की बचान खतर कराया गया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जो है पैड कह रहे थे आप वहां पे कुछ है, हाँ बिल्कुल है। इस साइड का दरवाजा खुला है मेरा, उधारी ये साइड से। कैमरा भाई दिखूंगा, पहले ये दिखा दे भाई, ये पैड जो है शायद इसलिए किसी ने उरे खबर नजर रखी है कि है ने इधर कोई आ से, नहीं जाए बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मॉर्निंग की वारदात मिलेंगे। सुबह धुंध की वजह से थोड़ा हल्की फुल्की धुंध थी, उसमें ही की गई है। जब पुजारी आया था तो उन्होंने तो गेट देख लिया कि हाँ भाई चोरी हो गई, टूट रहा मतलब कि आपने और के कुछ है। लागे FIR और FIR लॉस हमने करवा दी है, एप्लीकेशन भी दे दी है, भी चोर का शीघ्र ही पता किया जाए और हमारे जो मंदिर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। ये दो वर्डिंग मैंने लिख और के भिजवा आईओ भी आया है, जोगिंदर दिया। आईओ भी आया है यहाँ हाँ मौके पे, हाँ मौके मौके पे पे। देख के हाँ गया सारे। बिल्कुल, इसके अलावा मतलब के कुछ लागे कित कमी रहेगी अपने आप में या फिर कुछ वो है ज्यादा साथी थे जो चोरी हुई? ये जो कॉलोनी में है ना कुछ नशेड़ी हैं जो नशा पता करते हैं, ये लोकल रहते हैं नहर के आसपास, इन्हीं का काम है। पहले भी कई बार कॉलोनी में चोरी कर चुके हैं, हमें इन पे डाउट है। कोई ना कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसका जल्द से जल्द पता लगाएगी। सस्पेंस में आपने जो कुछ नाम दिए हैं सस्पेंस में तो अभी कोई नाम नहीं दिया है, बाकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई ना कोई सुराग मिल जाए और हम उनका नाम दे जल्दी से जल्दी। एक नुक आखर है बोले मार के पाछे पुकार गुनिया, तो इब आगे के कुछ एक्शन लेने की जिम है जिस तरह आगे सावधानी बरती आगे जाए। कॉलोनी में हम ये प्लान कर रहे हैं कि कोई ना कोई गार्ड रखेंगे जो पूरी कॉलोनी की देख रेख हो और मंदिर की देख रेख करेगा। सही है। एक जो है आपने मतलब की के कुछ लागे यहाँ चोरी हुई इस टाइम पे जो है के कुछ, या टाइम का अंदाजा आप लगा सके किस टाइम हो गया? टाइम का नाइट का कोई अंदाजा नहीं है,
और जो ये चोरी की गई एक निंदनीय घटना है, मंदिर के अंदर चोरी करना बहुत ही गलत चीज है, और हम पुलिस से प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लेके चोरों को ढूंढा जाए, कार्रवाई की जाए। दादाजी आप जो मतलब सबसे बुजुर्ग हो, आपने ये इस तरह की घटना पहले भी देखी होगी, एक खबर मिली इस मंदिर में जो पहली बार चोरी को नहीं हुई, पहला भी हुई है। पहले चोरी हुई बाद थोड़ी सी थोड़ा सीरिया था, 20 किलो अपने इसके पास टिक्कर के पास बीम बना के रखा था, वो ले गए थे। फिर अपने मिस्त्री शहर सिंह बोले भैया कोई बात को नहीं ताऊ जी, जाने दे तो ना इतनी गौर करोगे, इसके बाद हम ही रुक जाते हैं। मतलब उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उनके हौसले और बढ़ गए। हाँ हाँ और बढ़ गए भैया। तो अंकल इस बार जो है के कुछ उन पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हो कि भाई अगली बार यह घटना ना हो? अगले जो मिल गए ना उनसे जगत से उन्हें पकड़वाएंगे, सारी कार्रवाई करेंगे। ये पूरी आसी का मंदिर है, एक शिव कॉलोनी का मंदिर नहीं है, पूरी आसी की घटना है मंदिर की। एक आपने जो कहा 25,000 रुपए, उसके अलावा भी अरे क्या हार्ड डिस्क, इसके अलावा दो ही है फिलहाल हमारी नोटिस में, दो ही है। एक तो ये हार्ड डिस्क ले गए निकाल के ताकि प्रूफ ना रहे चोरी करने का, और एक मंदिर का जितना भी कैश था वो ले, एक जो अंदर का जो हमारा सारा सामान थे हमने चेक कर लिया। आसपास किसी सीसीटीवी में कुछ आई हो? कुछ नहीं आया है, लेकिन हम अभी भी देखेंगे। वहाँ जो पहलवान है ऑन द रोड दुकान कर रहे हैं सब्जी का, उधर से चेक करेंगे। डॉक्टर मान के तो फिर कैमरा इधर की साइड नहीं है, जो कुछ फिर भी हम देखेंगे यहाँ तो कुछ मिल जाए हमें। तो पुलिस ने के कुछ आश्वासन दिए? आश्वासन तो यही दिया कि भाई हम ठीक है, आपका FIR लॉज हो गई है और हम कार्रवाई करेंगे। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे? आखिर में हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, उनको ढूंढा जाए, ताकि आगे भविष्य में कॉलोनी में या किसी मंदिर में किसी लोकल संस्था में कहीं चोरी ना होए। तो भैया आपने जो है पुलिस ने एक अभियान भी चलाया हुआ है कि नशा मुक्ति का, कि नशा मुक्ति रोको और चोरों को पकड़ो, और नशा मुक्ति को जल्दी से जल्द जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, और उसका कोई नाम भी आगे नहीं आएगा। तो अगर किसी को पता चले तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि अगर किसी को भी पता चल जाए तो वो हमें उसका नाम दे, ताकि हम प्रशासन को दे सके। नाम जो गोपनीय रखे? हाँ, नाम गोपनीय रखा जाएगा और उस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएंगे हम। बिल्कुल, यहाँ मंदिर पे परमानेंट एक आदमी छोड़ा जाएगा रात को गार्ड के तौर। हाँ, गार्ड के तौर। मंदिर में चोरी होगी। यो भाई आपने जो है एक घटना देखी शिव कॉलोनी का, जो है हनुमान मंदिर की यह घटना है, जिसमें दावा किया जा रहा है 20 से 25,000 जो दान पात्र चोरी करेंगे, उसके अलावा जो है हार्ड डिस्क ले गए सीसीटीवी की, और सीसीटीवी भी तोड़ के जो है रख गए, ताकि उनकी जो फुटेज ना आ सके, जो एक निंदनीय घटना है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट करके बता दियो, और वीडियो ने आगे आगे शेयर कर दियो ताकि जागरूकता और बढ़ सके। और भाई जो यहाँ पे एक सस्पेंशन के तौर पर रखा गया कि कुछ समय की जो नशेड़ी यहाँ पर वह है उन पर ज्यादातर डाउट है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 से 25 हजार के बीच में अंदाजा है हमारा, बिल्कुल। एक जो वो हाँ, ये कुछ टूट रहा है, वो 6 महीने से हमने दान पात्र नहीं खोले है मेन।